हेलो एवरीबॉडी, आज मैं आपके लिए ये बहुत ही आसान सी पेस्ट्री की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें आपको ना अंडे की ज़रूरत है, ना मैदे की और ना ही अवन की, लेकिन ये बहुत ही यमी होता है। तो शुरू करते हैं। हम लेंगे 6 डाइजेस्टिव बिस्किट्स, इसको क्रश कर लीजिए। फिर इसमें ऐड करिए 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर का, यानी कि पिघला हुआ मक्खन, और इसे मिक्स कर लीजिए। फिर जिस मोल्ड में आपको सेट करना हो उस मोल्ड में इसको ऐसे स्प्रेड कर दीजिए, यानी कि बिछा दीजिए। अब मैंने लिया है 230 ग्राम क्रीम चीज़ का, ये रूम टेम्परेचर पर है। इसको ऐसे करके स्मूथ कर लीजिए। फिर इसमें ऐड करिए 60 ग्राम प्लेन योगर्ट। आप चाहे तो दही भी ऐड कर सकते हैं हैंग करके, लेकिन दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। इसको मिक्स कर लीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करिए, तब तक जब तक कि ये बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। अब इसमें 40 ग्राम चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप बुरा चीनी यानी कि कैस्टर शुगर लीजिएगा, वरना आप पिसी हुई शक्कर का इस्तेमाल करिए। इसे भी हम स्पैटुला की मदद से स्मूथ कर लेते हैं, मिला लेते हैं। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून लेमन जूस का। आप नींबू का रस भी ले सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। जब एक दफ़ा ये मिक्स हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे 230 ग्राम हैवी क्रीम का। आप चाहे तो नॉन डेयरी क्रीम भी ले सकते हैं, या फिर आप मलाई भी ले सकते हैं। इसको हम विस्क की मदद से ऐसे फेंट लेंगे। और अब हमें केक को सेट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी जेलेटिन के लिए। थोड़ा सा पानी लीजिए और उसमें करीब 6 ग्राम जेलेटिन का ऐड कर दीजिए। जेलेटिन वेजिटेरियन होनी चाहिए। इसको आप 15 मिनट तक ऐसे छोड़ दीजिए, ये ब्लूम हो जाएगा। फिर इसको आप गर्म पानी के बोल में रखकर ऐसे पिघला लीजिए। आप चाहे तो माइक्रोवेव भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा क्रीम चीज़ का मिक्सचर ऐड करिए, इसको घोल लीजिए विस्क की मदद से। अब हम इस जेलेटिन को धीरे धीरे अपने क्रीम चीज़ के मिक्सचर में मिक्स करेंगे। इसके लिए आपको ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है, हैंड विस्क से ही आपका काम चल जाएगा। आधा हिस्सा को हम एक पाइपिंग बैग में डालेंगे, आधे को आप सेव कर लीजिएगा। पाइपिंग बैग से पोर करना थोड़ा इजी हो जाता है। अब अपने क्रीम चीज़ के मिक्सचर को हम मोल्ड में ऐसे डालेंगे। मोल्ड का शेप आप अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हैं। इसको बराबर करके 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए। फिर से हम 5 ग्राम जेलेटिन का लेंगे। आपके पास जेलेटिन नहीं है तो अगार अगार यूज़ कर लीजिए। और अब हम 30 ग्राम चीनी को ऐड करेंगे 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी प्यूरे में। पेस्ट्री को अपनी मर्जी के फ्रूट के साथ में बना सकते हैं। अब आधा स्ट्रॉबेरी का मिक्सचर ऐड करिए, हाफ को हम बाद के लिए रिजर्व करेंगे। और फिर इसको आप हमारे चीज़ केक का जो मिक्सचर था उसके ऊपर में पोर कर दीजिए। इसको आप थोड़ा सा हिला डुला करके बराबर कर लीजिए, ये बराबर हो जाएगा। फिर 30 मिनट के लिए फ्रिज में छोड़ दीजिए। इन चीज़ का मिक्सचर हमने पहले रिजर्व किया था, उसमें आप सिर्फ आधा स्ट्रॉबेरी का मिक्सचर ऐड करिए। इसको भी आप पाइपिंग बैग में डाल लीजिए और इसको पेस्ट्री के ऊपर में पोर कर दीजिए। इसको बस वही है, आप पाइपिंग बैग में डाल के पोर कर दीजिए और इसको फिर से 30 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए डाल दीजिए। अब हम थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी प्यूरे को जेलेटिन मिक्स करके इसके ऊपर से डाल देंगे और इसको हम मिनिमम 6 घंटा फ्रिज के अंदर में छोड़ देंगे। फ्रीजर में नहीं डालना है। अब इसको डीमोल्ड कर लीजिए और इसके पीसेस कर लीजिए। इसको आप जैसे चाहे वैसे डेकोरेट कर लीजिए। मैंने ऐसे फोंडेंट के फ्लावर्स बहुत सारे पिछली वीडियोस में बनाए हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई है। थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। दोबारा मुलाकात होगी एक बेहतरीन, शानदार और मज़ेदार रेसिपी के साथ।